रिज़क क्या होता है। रिज़क सिर्फ ये नहीं होता कि आप दिन में कितना कमाते और कितना खाते हैं। रिज़क सिर्फ ये भी नहीं होता कि आपके हिस्से में आपको अच्छा खुराक नसीब हुआ या नहीं, बल्कि रिज़क के मुख्तलिफ शक्लें बसारत और इनामात होते हैं। लेकिन इंसान अपनी नाशुक्रियों की वजह से अपनी करीम खुदा की नेमतों को भूल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मजीद चीज़ें आपकी रिज़्क का हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बखूबी अलर्ट रहें। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इज्जत भी खुदा ताला की नेमतों में से एक है, जो कि रिज्क का एक अनमोल शक्ल है। हर एक बंदा अपनी इज्जत की बलबोते पे नाम कमाना चाहता है। सेहत भी रिज्क का सबसे बड़ा शक्ल है। सेहत ना होने की सूरत में इंसान जीरो हो जाता है, चाहे उसके साथ बड़े बैंक बैलेंस क्यों ना हो। औलाद भी इंसान की असासे नाम और रुतबे की बका का सबूत देती है। बे औलाद लोग इज्जत, दौलत, शोहरत वगैरह हासिल कर तो लेते हैं, लेकिन खुदा की अजीम नेमत से महरूम हो जाते हैं। ईमान, सबसे बढ़कर ईमान एक अजीम रिस्क हलाल है। ईमान के ना होने की सूरत में इंसान की दुनिया व आहिरत जीरो के लेवल पे पहुंच जाती है। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि खुदा ताला ने हमको 7 अरब लोगों में ईमान की रोशनी बख्शी है। इलम भी रिज्क का एक बहुत बड़ा शक्ल है। इसके अलावा और भी रिज्क के अशकाल मौजूद है, जैसा कि हुनर, रिश्ते, इख्तियार, आज़ादी वगैरह वगैरह। ये नेमतें लामहदूद है, लेकिन हमारे महदूद जहन के मुताबिक चंद नेमतें हमारी नज़र के आगे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कुछ जो इंसान के लिए बेहतर हो, उस किस्म का रिज्क खुदा ताला उस इंसान के लिए दे देता है। सो जो आपके पास है उस पे शुक्र करें, और जो ना हो उसके लिए सब्र करें, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अगर आपके जहन में मजीद रिज्क के शक्ल मौजूद हो तो कमेंट में लाजमी लिख के हमारे साथ शरीक करें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।